हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को टाइटल पढ़ के ये पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, मैं अपनी एनिवर्सरी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है मेरी वीडियो 15 फरवरी की। मेरी 15 फरवरी को एनिवर्सरी थी, तो उस दिन की ये वीडियो है। और मैं हमेशा अपनी एनिवर्सरी पे सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर जाना। और मेरा मानना यही है कि अगर हमें जो कुछ भी मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें भगवान की वजह से हमें मिली है, और सबसे पहला भगवान का धन्यवाद करना तो बनता है। इसीलिए चाहे मेरा जन्मदिन हो, चाहे मेरी एनिवर्सरी हो, या कुछ और भी हो, तब भी मैं भगवान जी के पास यानी कि मंदिर जरूर जाती हूँ। तो ये थी मेरी मॉर्निंग की वीडियो एनिवर्सरी के दिन की। तो मैं मंदिर में गई थी, मेरे घर के थोड़ा ही दूर पे ये मंदिर पड़ता है, यहाँ पे मैं गई थी भोलेनाथ का मंदिर। और उस दिन शनिवार भी था, तो शनि मंदिर भी यहाँ पे है। और गाइज, आप लोगों को ये बड़ा झोड़ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मंदिर के ही जस्ट अपोजिट में पड़ता है और काफी बड़ा झोड़ है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियां रहती हैं, तो बस मैंने सोचा आज एनिवर्सरी भी है और मंदिर भी जा रही हूँ, तो मछलियों को थोड़ा बहुत दाना तो डालना ही चाहिए, इसलिए मैं मछलियों को दाना डाल रही हूँ। क्या है? हम ये आटे की गोली बना के मछलियों को डाल रहे हैं। यहाँ पे काफी सारी मछलियाँ होती हैं, अभी आ नहीं रही है, भूल शायद तो इसलिए झूठ करना पड़ता है। और अभी हम लोग गाइस बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो जैसे कि गाइस, आप लोगों को पता है आज है मेरी एनिवर्सरी। आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपने इस चैनल पे बता रही हूँ आप लोगों को। तो मेरी आज एनिवर्सरी है, आज है 15 फरवरी, और मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी 15 फरवरी 2015 में। यानी कि मेरी शादी को 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, आज मेरी 5वीं सालगिरह है शादी की। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी ये छोटी सी ब्लॉगिंग कर दूं, छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ अपनी ये शेयर कर दूं कि मैं अपनी एनिवर्सरी पे क्या कर रही हूं। तो गाइज, अपनी एनिवर्सरी पे मैं हर साल मंदिर में जाती हूँ सबसे पहले। अगर कुछ आप लोगों को इस ब्लॉगिंग में ना दिखे, क्योंकि हम ज़्यादा धूमधाम से नहीं करते हैं एनिवर्सरी, बस ऐसे ही हम घर वालों के साथ अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए किस तरीके से मैं अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती हूँ। अभी तो शायद से हम कहीं जा रहे हैं, मे बी हम मूवी देखने जा रहे हैं, और ये मुझे पता नहीं है कौन सी मूवी है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होती हूँ,
अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। सुबह का मैं आप लोगों के साथ वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह उठी, उसके बाद नहाए धोए, फिर मंदिर गई। मूवी देखने जा रहे हैं तो देखते हैं कैसी मूवी है, कौन सी मूवी है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसी वो, जिस मूवी को देखने हम जा रहे हैं कैसी मूवी है। बाकी गाइज आप लोगों को मैं और क्या बोलूं, तो आप लोग देखिए मेरी इस वीडियो को कैसी मेरी शादी की सालगिरह मैं मनाती हूँ। तो हे गाइज, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज हमारी एनिवर्सरी है और अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। तो कौन सी मूवी है हम देखने जा रहे हैं? मलंग। तो मूवी है मलंग और हम मलंग मूवी देखने जा रहे हैं। हम दोनों ही जा रहे हैं और फैमिली मेंबर हमारी कोई नहीं जा रहे हैं। तो चलिए मैं मूवी देख के बताऊंगी आप लोगों को कि कैसी ये मूवी है। तो यही गुड़गांव में ही आगे स्टार मॉल पड़ता है तो हम उस वहीं पे मूवी देखने जा रहे हैं। तो गाइज हम मूवी देख के आ गए थे और शाम की 7:30 बज रही थी। तो हमने पापा को कहा चलो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही अपने लिए केक लेने जाते हैं। तो हम केक लेने गए थे तो यहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा गोलगप्पे खाए जाए, तो मैं यहाँ पे गोलगप्पे खा रही हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं बेकरी में और यहाँ पे मेरे हस्बैंड केक चूज कर रहे हैं कौन सा केक लेना है। तो हम लोगों ने केक चूज कर लिया है जो हमें लेना है केक। बाकी गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरी नौटंकी। तो हम लोगों ने केक ले लिया है और हमारे हस्बैंड जी भी पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे केक कट करने लग गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये केक हमने पसंद किया था अपने लिए। तो अभी हम दोनों यहाँ पे केक कट कर रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं, आप लोग देखिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी जी और पापा जी को भी केक खिला रही हूँ, साथ ही साथ अपनी देवरानी को भी खिला रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी देवरानी मेरे को गिफ्ट दे रही है।
सेलिब्रेट कर ली है और अभी जो टाइम हो रहा है रात की 10:30 हो रही है, तो सेलिब्रेट हमने अपने फैमिली मेम्बर के साथ किया और बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर लूँगी। आई डोंट नो कि कितने दिन बाद आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो को शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड है काम का, काफ़ी सारी वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई है मेरी। तो अभी भी आप लोग देख ही सकते हैं, मैं अपना काम कर रही थी, वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले इस वीडियो को एंड कर दूं। और साथ में गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं मलंग मूवी देखने गई थी, तो मेरे हिसाब से वो मूवी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ओके मूवी है, ज़्यादा अच्छी मूवी नहीं है। बस उस मूवी में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उसमें हीरो है वो सिर्फ बदला लेता है, तो बाकी कुछ खास मूवी नहीं लगी। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए, बट मुझे खास नहीं लगी। लेकिन मैं उनको क्या दे रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने उनके लिए मंगाया था ये पिलो कवर, देख सकते हो गाइस आप लोग, काफ़ी अच्छा है, गोल्डन वर्थ में है ये मैजिक पिल्लो कवर था। और ये पिल्लो मैंने मंगवाया था इंस्टा पे, एक वेबसाइट थी उसके थ्रू मैंने ये पिल्लो बनवाया है। इसमें हमें उन लोगों को अपनी फोटो भेजनी पड़ती और वो हमें ये पिल्लो बना के देते हैं। मुझे जो इसके चार्जेस देने पड़े वो दिए मैंने 600, तो 600 में मेरा ये अच्छा सा पिल्लो बन गया। इसमें हमारी फोटो है, वैसे भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैजिक पिल्लो है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके के ये पिल्लो है। तो अभी तो आप लोगों को ये ऐसे गोल्डन शेप में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपको ये गोल्डन। अब मैं इसको अगर ऐसा करती हूँ तो देखिए आप लोग, तो देखिए गाइस ये है हमारी पिक और ये गिफ्ट किया है मैंने अपने हस्बैंड जी को। और इसी के पीछे अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी हबी जी। इन्होंने थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर लिया है, कुछ मेरी मिस्टेक भी है, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया तो उन्होंने भी वैसा ही लिख दिया है। तो पीछे कुछ इस तरीके का है और आगे ये है हमारी पिक। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा गिफ्ट जो मैंने अपने हस्बैंड को दिया है, आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं। गाइस चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताना, साथ ही साथ ये जरूर बताना जो मैंने अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट किया है वो आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।